किधर देखना है इधर सर ये कैमरा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑफर्ट है न्यू यारी रोड ट्रस्ट, जो यारी रोड बचाओ के नाम से प्रचलित है यहाँ पे, इसने 55 डिफरेंट सोसाइटी, हमारे इस ग्रुप के अंडर 165 सोसाइटी हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इस वक्त वैक्सीनेशन की कमी थी इसलिए हमने 55 सोसाइटीज़ के लोगों को आज इकट्ठा किया है और 700 के करीब लोग जो हैं आज वैक्सीनेट होंगे। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन मुंबई एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली क्योर। जब तक कि पूरी जनता वैक्सीनेट नहीं होगी तब तक इस महामारी पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे खुशी है और दूसरा मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरे सारे कलीग्स को, पार्क प्लाजा को, कि जिन्होंने इतना आपने देखा हुआ बड़ा स्मूथ फंक्शनिंग है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, एटमॉस्फेयर भी है, क्लीन भी है, तो ये सब हुआ। और मैं साथ में बधाई देना चाहता हूँ मेरे दोस्त गुलशन ग्रोवर और सतीश कौशिक को। ये दोनों सेलिब्रिटी तो हैं लेकिन इनकी हैसियत आज है ये दोनों के दोनों इसी इलाके के रेजिडेंट हैं और जब भी कभी कोई हमारे को इलाके में ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसमें लोगों को साथ में आना पड़े, इकट्ठा होना हो, तो ये मेरे दोनों दोस्त साथ में आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वैक्सीनेशन ही बचाव है, वैक्सीनेशन से ही हम सबका भला होगा, अच्छा होगा, इस बात को मान लेना चाहिए। साइंटिस्टों ने इतना समय लगाकर इस वैक्सीनेशन को बनाया है। कुछ छोटे मोटे आर्टिकल बीच में वैक्सीनेशन के बारे में गलत धारणा पैदा कर देते हैं। देशों में विदेशों में ये बात प्रूव हो गई है कि वैक्सीनेशन जिन जिन देशों में हो गया है वहाँ पर कारोबार, जिंदगी शुरुआत हो गई है। बहुत सारी कंट्रीज ने जहाँ पर कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है वहाँ पर मास्क भी निकाल दिया है, जैसे कि इजराइल में, जैसे कि न्यूजीलैंड में एंड अमेरिका के कुछ हिस्सों में एंड इंग्लैंड में कारोबार जिंदगी शुरू हो गई है, अमेरिका में कारोबार जिंदगी बहुत सारे हिस्सों में शुरू हो गई है। उस सब का आधार एक ही है, वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का उत्साह धीरे धीरे इस प्रकार के प्रयासों से बढ़ रहा है। पहले ऐसा था कि वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ में बहुत भीड़ है, बहुत प्रॉब्लम है। तो जिस प्रकार का प्रयास यारी रोड सोसाइटी, मेरे मित्र शशि रंजन और इससे जुड़े हुए सभी लोग, सभी वो वर्कर, सभी जो लोग काम कर रहे हैं उनको ढेरों बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार काम किया। अब देखिए मैं पर्सनली जब आया तो मैंने देखा गैराज में कहाँ लगा रहे हैं, शशि ने मुझे दिखाया वो 5 स्टार से ज़्यादा क्लीन बेहतर फैसिलिटी है, आप ज़रूर उसका शॉट लें, जहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। एयर कंडीशन 5 स्टार, ब्यूटिफुल,
यहाँ पर जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है 20 मिनट इंतज़ार करेंगे कि किसी की तबीयत अगर खराब हो तो उसे फौरन एमरजेंसी ट्रीटमेंट मिले। तो इसी प्रकार से जैसा इन्होंने किया है उसी प्रकार से सभी सोसाइटीज़ को या क्लस्टर ऑफ सोसाइटीज़ को मिलकर इस तरह का प्रयास करना चाहिए। दिस इज फैंटास्टिक, हर आदमी को वैक्सीनेशन लगे, हर आदमी एक दूसरे से सिक्योर हो, यही मैं चाहता हूँ, यही मुझे लगता है। देखिए ये तो सबको पता है कि हमारा देश किस महामारी से गुजरा है, संसार महामारी से गुजरा है। किसी को पता नहीं था कि एक्चुअली इस विपदा का अंत क्या होगा, अंत कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन मेरे को लगता है कि पूरे वर्ल्ड ने और हमारे हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाने के लिए जो अग्रसर काम किया है उसकी वजह से एक डेढ़ साल के अंदर वैक्सीन आ गई, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही एक चारा है जहाँ पे हम इस महामारी को रोक सकते हैं। और वैक्सीनेशन करवाना एक बहुत ज़रूरी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, बिकॉज़ कोरोना से लड़ने के लिए हम अपने घर में रह लिए, हमारा काम बंद हो गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हम कहीं बाहर जाने लायक नहीं रहे, हमारी जो गतिविधियाँ थी वो सब बंद हो गई। लेकिन हम जिस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, जिस दुख से गुजरे हैं, उसका समाधान जो है वो है ये वैक्सीन। कि वैक्सीन लगवाना जो है वो बहुत अनिवार्य है। बहुत मारापीटी हुई कि नहीं, अब मतलब वैक्सीन जब आई कहीं मिल ली गई है, लोग कहाँ जा रहे हैं, लाइन में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन देखिए धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये ऐसी नई महामारी हुई है जिसका किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था, तो उसके इलाज का भी अंदाज़ा नहीं था और वैक्सीनेशन का भी अंदाज़ा नहीं। लेकिन आज धीरे धीरे जो है वो सब बहुत सुचारू रूप से हो रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो हमारी महाराष्ट्र की राज्य सरकार हो। आज हर आदमी को वैक्सीन लगाना जो है वो उपलब्धि उसकी हो जाएगी। और आज जो यहाँ पर हो रहा है, यारी रोड रेजिडेंट एसोसिएशन की, यारी बचाओ इनकी समिति है, उन्होंने ये 55 सोसाइटीज़ को मिलकर एक बहुत बड़ी सोसाइटी के क्लस्टर को लेकर के उन सबको सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन का जो ये प्रोग्राम बनाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों की अच्छाई के लिए और वैक्सीनेशन के लिए ये इतना बड़ा काम किया और इतने बड़े स्केल पे किया कि आज 700 लोग जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। आप एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि वैक्सीन जो है ये हमारा मैसेज, हम शहरों में बड़े बड़े शहरों में रहते हैं लेकिन गाँव में लोग अभी भी डर रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है पता नहीं क्या करेगी। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बल्कि मैंने तो बहुत जल्द मैंने अपने एक गाना गाया है और वैक्सीनेशन लगवाने का गाना गाया जो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो वो वैक्सीन का गाना इसलिए है कि गांव-गांव तक, हमारे चप्पे चप्पे तक, छोटे छोटे जो विलेजेस हैं वहाँ तक ये बात पहुँचे कि वैक्सीन लगवाना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और आज के इस मैसेज पे भी ये 700 लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे पता नहीं कितनी सोसाइटीज़ में, हॉस्पिटल्स में लोग लगवा रहे हैं। तो गाँव के लोगों को, हमारे जो 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 अंदरूनी गाँव, उनको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवा, क्योंकि कई लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, डर रहे हैं, समझना, वो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं खुद अपनी पहली वैक्सीन लगवा चुका हूँ और मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। गुलशन जी जो है अपनी दो वैक्सीन लगवा चुके हैं और कितने लोग हैं, तो ये भी मैसेज देना। और दूसरी बात ये कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप लोग अपने मास्क का, हाथ धोने का, सोशल डिस्टेंसिंग का फिर भी ख्याल रखें। तो जब तक ये महामारी बिल्कुल चली नहीं जाती है, अपने सोशल जो डिस्टेंसेस का जो और आपको जो ख्याल रखना है वो डेफिनेटली ज़रूर कीजिए। और मैं अपना शशि रंजन जी का और यारी रोड बचाओ समिति का और गुलशन जी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा काम हुआ और हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। हम बड़े प्राउड हैं कि हमारी यारी रोड समिति जो है वो बहुत काम करती है और बहुत इतने ज़बरदस्त गार्डन्स हैं हमारे यहाँ पर, इतने ज़बरदस्त यहाँ पे रोड्स हैं हमारे पे, पाम ट्रीज हैं यहाँ पर। और जब भी ऐसी कोई दुविधा आती है तो यारी रोड बचाओ समिति है, जो यारी रोड रेजिडेंट एसोसिएशन है, वो हमेशा तत्पर तैयार रहती है। थैंक यू वेरी मच। वैक्सीन हर आदमी को लगाना बहुत आवश्यक। एक बात जो पहले कहना भूल गया, एक बड़ी अच्छी बात मेरे मित्र शशि रंजन ने कहा कि
जो एफर्ट लोग हैं जो सोसाइटी में रहते हैं उनका वैक्सीनेशन तो हो रहा है, करवा रहे हैं, लेकिन उस माली, वॉचमैन, काम करने वाले, धोबी, दूध वाला, इनको कौन वैक्सीनेशन लगाएगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो इस प्रयास में शशि रंजन ने ये मुझे बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ हैव बीन रिक्वेस्टेड कि वो काम करने वाले सभी वर्कर, घर के एम्प्लॉयज़, ड्राइवर्स, माली, गार्डनर्स, धोबी, दूध वाला, वॉचमैन, इन सब की वैक्सीनेशन तो करवाएं, उसके साथ साथ जो उसमें पैसे खर्च हो वो सोसाइटीज़ दें। तो मैं इस बात का बहुत सराहना करता हूँ। थैंक यू। ओवर। क्या हाल है? कैसे? मैं एकदम बढ़िया। वैक्सीनेशन का कैंप यहाँ पर चालू हो गया है, लंबे टाइम से बात हो रही थी कि सोसाइटी में जो है वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये काम चालू हो गया है। और एक कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लगवाना हर किसी को, अभी भी जैसा कि बात हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं डर रहे वैक्सीन लगवा नहीं रहे, बहुत सारी डर, तो अगर आपको अगर आप लोग मैसेज देंगे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं बोलो। आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन, क्योंकि जो महामारी है वो आई थिंक वैक्सीनेशन कराने की जो महामारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन कराना, हम सबको पता ही है। एंड आई थिंक ये जो पैंडमिक है ये अभी भी चल रहा है, एंड जिस तरह से सेकेंड वेव ने कितना मतलब डराया है लोग, कितने लोग इससे जूझे हैं, जो पूरी की पूरी चीज हुई है, तो आई थिंक वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट्स ग्रेट कि इस तरह के जैसे वैक्सीनेशन कैंप सेटअप हो रहे हैं, जैसे हमारी भी सोसाइटी में जरा 55 सोसाइटी विच आर काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर और यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू शशि रंजन अंकल एंड द इंटायर टीम ऑफ वायर भी कि उन्होंने इस तरह का वैक्सीनेशन कैंप सेटअप कराए जहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ आके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने खुद वैक्सीनेशन ली है, मेरी पूरी फैमिली ने वैक्सीनेशन ली है। जितने भी हम व्हाट्सएप पे चीज़ें पढ़ते हैं, जितने भी हम सोशल मीडिया पे न्यूज़ पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे लोग डर रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है आती कई बार, नहीं पहुँचती कई बार। तो प्लीज़ डोंट फॉलो लाइक फेक न्यूज़ और डोंट फॉलो वट एवर मैसेजेज यू आर गेटिंग ऑन बेसिस ऑफ दैट, आप उसके ऊपर ना करें, कंसल्ट योर डॉक्टर्स। वैक्सीनेशन इज़ वेरी सेफ, द एंटायर कंट्री इज टेकिंग वैक्सीनेशन, द एंटायर वर्ल्ड इज टेकिंग वैक्सीनेशन, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड प्लीज़ प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या नो आई थिंक नहीं, मैं बोल रही हूँ जो वरुण ने कहा वो बिल्कुल सही है कि अनफॉर्चुनेटली इन्फॉर्मेशन सबको सही नहीं मिल रही है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि वैक्सीनेशन से कुछ हो जाएगा आपको या कोई और बीमारी हो जाएगी, तो बहुत सारा फेक न्यूज़ जा रहा है। बट वैक्सीनेशन आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही है, एंड आई फील कि जितने आपके आसपास लोग हैं जो थोड़ा हेजिटेंट है आप उनको एजुकेट कीजिए। ऑब्वियसली आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ इंजेक्शन मेडिकेशन लेने के लिए, बट आई फील एजुकेट कर सकते हैं आप, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टाफ है वो काफ़ी डरे हुए थे तो हम उनको साथ में लेके गए वैक्सीनेशन के लिए कि हम भी साथ में लगाएंगे आपके, तो ये नहीं कि आपको कुछ और होगा हमको कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई फील कि वी जस्ट नीड टू एजुकेट एवरी वन अराउंड अस एंड एक्सप्लेन टू देम दैट द वैक्सीन इज सेफ, एंड यही एक चीज़ है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। आई थिंक वी सेड एवरीथिंग, यही है कि आई थिंक एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है इस कंट्री में, बिकॉज पता नहीं बुरा है कि अच्छा है वो भी पता नहीं है। बस इट्स लाइक अगर हम बच सकते हैं तो बचते हैं, मतलब वैक्सीन भी लेते हैं घर पर बैठते हैं, बट दैट्स नॉट द वे। एक वन एंड ओनली क्योर टू करोना सोल्यूशन इज टेकिंग अ वैक्सीन, सो प्लीज़ एवरी वन बी अर्ज यू, प्लीज़ वैक्सीन लो ना, प्लीज़ गेट एवरी वन अराउंड यू वैक्सीनेटेड एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज़ वेल। जैसा कि लोग अभी भी इस तरह से डर रहे हैं कि हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा हो जाता है, इसके लिए मैं यही देना चाहूँगा कि प्लीज़ मत डरिए। जितने सारे लोग हैं हम, मतलब यार जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था हम प्रे कर रहे थे यार जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसका इलाज आ जाए, इसका इलाज आ जाए, इसका इलाज आ जाए। अब उसका इलाज आ गया तो हम उस इलाज कराने से हमको नहीं डरना चाहिए। एंड बहुत सी यार जिस तरह से पहले ही बात कर रहे थे, बहुत सी सर्कुलेशन होती है चीज़ें। मैंने एक वीडियो देखी अभी रिसेंटली जिसमें वो बंदा कह रहा था कि आपके अंदर मैग्नेटिक पावर्स आ जाती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक चिपका के वो मैग्नेटिक चिपक रखी थी,
the other person who connected is the dusri magnetic nature at the other. So it is just that misinformation jo logo tak pahunch gayi which is very wrong. Kai log वैसे ही यू नो आई थिंक सर्टेन चीज़ों के लिए मजाक में वो चीज़ें ले लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे किस तरह से हो रहा है। आई थिंक तो ज़्यादातर लोग वायरल होने के लिए ये सब कर रहे हैं कि उनका वीडियो पिकअप हो जाए वो लोग वायरल हो जाए एंड ये सारा कंस्पिरेसी थ्योरीज ये सब बकवास है। आई थिंक कि आपको बस अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए, एजुकेट करो अपने आप को कि वैक्सीन के क्या फ़ायदे। बचपन से आज तक हम वैक्सीन लेते आ रहे हैं, इस बार क्या अलग हुआ है? एंड हम 2021 में तो ऑब्वियसली अगर 90s में अगर कोई वैक्सीन एक डेढ़ साल लग रहा था बनने के लिए, अभी तो ऑब्वियसली बेटर होगा, फास्टर होगा। तो वो डरने की बात नहीं कि अरे एक ही साल के अंदर आपको वैक्सीन मिल गया, तो अच्छी बात है अगर एक साल के अंदर मिल गया, इतना एडवांस्ड है मेडिसिन। आई डोंट थिंक वी शुड डाउट इट सो मच। मतलब वी डोंट डाउट आवर डॉक्टर्स, जब हेडेक, सर्दी, मलेरिया जो भी, तब जो भी डॉक्टर बोलते हैं हम सुनते हैं। अभी दुनिया के सब डॉक्टर्स एक चीज़ बोल रहे हैं, सो अंडरस्टैंड इट्स सेफ एंड इट्स नीडेड।